अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम आदाद। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी। और मौके पे जब काम शुरू किया 25 मुहर्रम पे, और जो वीडियो मैंने दिखाई मोमिनीन को, तो जो खुदाम हमारे साथ काम कर रहे थे मौके पे करीम अलबैत पर, मौके पे मुख्तलिफ दुनिया के लोग आए। मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे पत्ती चाहिए चाय की। तो कल और से कल से पहले एक अजीब मंजर था। जितने बुज़ुर्ग लोग थे चेलों पे, एक ब्रश जो टूथपेस्ट का होता है वो भी बड़ा मुश्किल होता है उठाना। लोग वहाँ अपने वतन से चाय की पत्ती लेकर आए। मैं कह रहा था मैं सभी लगाऊंगा, दूध है मगर चाय की पत्ती नहीं है। तो मैं तो कल हैरान ही हो गया लोगों का प्यार देखकर, किस तरह वो, किसी ने अमेरिका से पत्ती भेजी है, किसी साउथ अफ्रीका ने, किसी ने यूके से, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से, तो किसी ने पाकिस्तान से, तो किसी ने इंडिया से। तो मैं तो हैरान ही हो गया कि इतने मुल्कों से मुख्तलिफ वैरायटी की पत्ती मेरे मौके पे। यहाँ की ये पत्ती इतनी है कि अगले चेलों पे भी चलेगी अगर उसको न्याज में इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा फिर मोमिनीन जो मैं मौके पे खिदमत कर रहा था, उनके प्यार, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बतें, ये सारे मेरे मौला हुसैन के सदक़े में, क्योंकि ये सारा काम मैंने खुलूस से किया था और दिन रात मेहनत करके। तो मेरे मौलाद की तरफ से ये अजर है कि उनके प्यारे मीठे अल्फाज आपको ये तो बता रहे हैं। जितने खुदाम होते हैं, खिदमत करते हैं, बड़ी इनकी खिदमत होती है। ये सब कब उनके अंदर दिल में राहत आती है? जब उनको आप मुस्कुरा के चंद अल्फाज कहेंगे, उनकी थकावट उतर जाती है। कल और कल से पहले दो तीन ढाई दिन हो गए मैं तकरीबन नींद नहीं की। दो घंटे नींद करने के बाद फिर काम शुरू किया। बहरहाल उसके बाद मुख्तलिफ मोमिनीन ने चेलों के लिए न्याज भेजा। उसमें ये एक नाम, बहरहाल जिनके भी नेम हैं तो वो पहचान लेंगे, ठीक है। इस तरह उनके अंदर पैसे थे। किसी ने ये कहा कि अबुल फजल और अफनान के लिए भी आपको ये हदिया है और न्याज में भी शामिल करें। उनका नाम भी बहरहाल वो जानते होंगे। इनके लेटर उन्होंने प्यारा सा भेजा है मेरे नाम पर, और ये लिफाफे में पैसे डाल डाल के। और फिर कुछ मोमिन, एक मोमिना थी, उनका तो अजीब सीन था। तो उन्होंने कहा, मैंने मन्नत की कि शाकिर भाई के मौके पर अगर मैं पहुँच गई तो उनको न्याज दूँगी। तो बहरहाल उनका न्याज भी इसमें अंदर है, पाकिस्तानी रुपीज़ में है। कोई इंडिया से हदिया कर रहा है तो ये सारे भी एक्सचेंज करा के मैं जा रहा हूँ। तो किसी ने फिर ये पाउंड हैं, कुछ डॉलर्स हैं न्याज के, यूरो हैं, ये भी डॉलर्स, ये सारे डॉलर्स ये एक्सचेंज कराएंगे मौलक न्याज के हैं। जो है काउ ज़िबा किया था न्यूयॉर्क सिस्टर की तरफ से उनकी, और इन पैसों में से और भी काउ आ सकते हैं, मैं ज़िबा करूँगा। यूरो, पाउंड, डॉलर्स, ये सारे मोमिनीन के मुख्तलिफ, किसी के 20 हैं, किसी के 5 डॉलर, किसी के 100 डॉलर, किसी के 400, किसी के 500, 50 यूरो, 100 पाउंड, इन्होंने ऐसे ऐसे करके भेजे। मैं नाम नहीं बताया, ऐसे ऐसे करके बताएं। ये सारे यूरो हैं, ठीक है जी। 100 यूरो, 100 यूरो, 500 यूरो, एक साथ उन्होंने, एक खातून थी, उन्होंने बैग निकाला। उन्होंने कहा, हमारे पर अमानत थी, आप बस ले लें। बड़ा टेंशन था अपनी ज्यारत से ज़्यादा आपको न्याज देने के। ये सारे पैसे मौला के न्याज के हैं। इंशाल्लाह इसको एक्सचेंज करा के मैंने मुख्तलिफ मौकबों पर, एक मौकब तो इसमें नहीं आ सकता, इसमें बहुत सारे मौकब जो हैं, बहरहाल दो मौकबों को अच्छा सा न्याज देकर मैं आपके साथ शाकिर अलनजफी। आपकी अमानत इंशाल्लाह मौकब और खिदमत और सायरीन को दी जाएगी। मैं कोशिश करूँगा इनमें से पैसे बच जाएँ तो 28 सफ़र का जो न्याज है उसमें भी की जाएगी, या फिर जो भी न्याज सिलसिला होता है मेरे अंदर जितनी ताकत है, हौसला अफजाई है, तो मैं उससे अला करूँगा। मैं आपके साथ शाकिर अलनजफी। तमाम मोमिनीन जितने देखने वाले हैं उनका शुक्रिया जिन्होंने हदिया दिया, मौला उनको अजर अता करें। और जो नहीं आ सकें उनकी कदम से आज हम मस्जिद स्टार्ट करेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे रात के टाइम या मगरिब के टाइम। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारे जो है शुक्र आपका, प्यार का, कमेंट्स का, यूट्यूब के तमाम मोमिनीन का कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसी ने अकाउंट में पैसे डाले और फिर अकाउंट से पाकिस्तान से इधर मंगवाना करना बड़ा मुश्किल इन दिनों में हो गया, उसके बावजूद भी न्याज आ गया और ये सिलसिला नहीं रुका। डेली डेली सुबह शाम वो डॉक्सन की बस, बहरहाल हर जो है जो सभी ले रहे हैं काम कर रहे हैं, कभी मैं अकेला होता हूँ उसकी वीडियो बना नहीं पाता, फिर कोशिश करता हूँ। क्या होता है कभी न्याज चलता तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ या कहीं पर चला जाता हूँ, तो न्याज में मौके पर चला जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, घर में मेहमान भी हैं। तो ये सिलसिला जारी है। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी। आपका न्याज जिस जिसने भेजा है तो इंशाल्लाह वो न्याज में
चला जाएगा। और अल्लाह पाक आप सबके न्याज को कबूल फरमाए। और जिन मोमिनीन ने ऐसे पैसे सेंड किए एतमाद करके और कहा बस ये कि मौला कबूल करें, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सलामत रखें। यही है, मैं सिर्फ वीडियो तमाम न्याज की इसके लिए बनाता हूँ कि आपको पता चले कि आपका पैसा कहाँ तसर्रुफ हो रहा है, किस न्याज में हो रहा है, कौन खा रहा है और कैसा कर्बला के रास्ते पर जाए। अभी भी इंशाल्लाह 2-3 गाड़ियाँ भर के मौके पर भेजा जाएगा। लबैक या हुसैन, एक एक कदम आपके लिए, और ये पूरी ज़ियारत जो नहीं आ सके तमाम इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब के लिए लबैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम, मदर ज़ाहिरीन इमाम हुसैन के लिए एक और माशाल्लाह एक गाड़ी भर के जा रहे हैं और उनको खिलाने के लिए। और हमने ऑरेंज लिया है, फर्स्ट क्लास माल्टा जिसे कहते हैं वो, और ये खूबसूरत चीज़ जो है नास क्या कहते हैं उसको, नाम ही भूल गया मैं ना, अमरूद वगैरह जो है थे। और ये आलू बुखारे बेहतरीन मज़ेदार, मैं आलू बुखारे खाते नहीं थे मगर ये तो बड़ा टेस्टी है। और ये ऑरेंज देखिए फर्स्ट क्लास, और माशाल्लाह ये सारा कुछ ले रहे हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया हुआ है वो मैंने आपको बताया कि एडिशनल DIG एक सूबे के हैं और हमारा उनका है, और ये हमारे तरफ से खिदमत करता है मौके में हमारे साथ। और माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट है इनकी और इतनी बड़ी खिदमत करते हैं हर साल, मुख्तलिफ वीडियो में आप देखते होंगे एडिशनल DIG जो बहुत बड़ी बात होती है, मोमिन के लिए खिदमत करते हैं। ये इराक़ के सूबे में हमारा उनका नाम है, बहुत ही खूबसूरत सूबा है, दरिया वगैरह नहर फरात उधर बड़ी माशाल्लाह जीनत बनी हुई है। और ये तो कुछ एक हिस्सा है, बाकी और भी ले रहे हैं ये सब है। उस्ताद हैदर इनका नाम है और हैदर जो है इनके बच्चे अपनी बीवियों के साथ, इनकी वाइफ माशाल्लाह ज़ायरीन के लिए कबाब बनाती है, ज़ायरीन के लिए समोसे ख़ास किस्म के होते हैं और कुब्बा ऐसे कहते हैं, वो इनकी फेवरेट डिश होती है जो ख़ास मेहमान को खिलाए, वो हज़ारों लाखों ज़ायरीन के लिए बनाती है यहाँ पर, बड़ी खुशी से ड्यूटी देती है। अल्लाह ने इनको बहुत नवाज़ा हुआ है, तो मैं इनको हर वक्त जहाँ भी कोई सामान लेता हूँ इनको साथ लेता हूँ ताकि वो कीमत रेट वगैरह जो है जिन ज़ायरीन के जो पैसे हैं उनको सही जगह पे इस्तेमाल, क्योंकि मैं भी बात करता हूँ बस जो मुझे समझ में आता है बेहतरीन चीज़ वो लेता हूँ, मगर ये जो उनसे बात करते हैं अपने लहजे और अपने हिसाब से वो अलग सी चीज़ भी जो है प्यारी मिल जाती है इनके तवस्सुत से, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई मेरे साथ होता। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, बहुत सारी खूबसूरत खिदमात जारी हैं, हम देखते हैं और आगे क्या लेते हैं। और आप सबके लिए बहुत सारे लंगर उन्याज में हिस्सा लिया और ये वो लबैक या हुसैन खिदमात जारी। ज़ायरीन का जो न्याज है आगे पीछे इसके लिए रखे हुए हैं कि उन पर बच्चियाँ लगी होती हैं, इसका ही शहर से मुल्क से फला 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 फला, तो सब कुछ शामिल किया जा रहा है। न्याज में मिला के चलाते हैं ताकि किसी ने तबील के लिए, किसी ने पानी के लिए, किसी ने फ्रूट के लिए, हमें जो समझ में आता है वही हम करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ तबील में आप हिस्सा लो, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसमें भी आप हिस्सा लो। ये पुलिस ऑफिसर मैंने आपको बताया।
ہے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور ماشاء اللہ وقار بھائی ہر سال چیلنج کرنے آتے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں خدمت ہو رہی ہے یہ اپنے موقع پہ لے کے جا رہے ہیں سامان اور ساری چیزیں ابھی یہ ظاہرین کی طرف ہے ایک گاڑی ایک موقع پہ اور ایک یہ گاڑی ہے اس کے لیے تربوزہ خربوزہ تو الگ لیں گے سردا الگ لیں گے تو اور چیزیں لے رہے ہیں یا اللہ اچھا اس کو رکھ دیش دیش انا اقول شيخ شاكر باكو ياي لا شغل قلت لك حلو شغل عمال شغل عمال شغل عمال يمه عمال لا ما يصعدون عمو لا لا هو البارحه صعدوا ما قالوا يا صعدن خطيه هو هو سيد كرار بنفسه تصعدن والله قلت له انت صعدت قال انا صعدت يوم تيجي ريتم اسكو تست بي كرتين كيف هي خاين وورك كيف كيف هي السلام عليكم وعليكم السلام مو مثل البارحه مو مثل البارحه اصل
देखें सारा कुछ ले रहे हैं, कर रहे हैं लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं गाड़ी पे ये वगैरह, और ये जो हमारे साथ इतना काम कर रहा है बैठा हुआ है बड़े मज़े से जो है काम भी करते हैं यहाँ पे, खिदमत भी करते हैं। तो ये आपको बताता हूँ कि ये इनकी ये तस्वीर है और यहाँ के एडिशनल जो हैं DIG हैं अपने इलाके के, और बड़े शौक से आम लोगों से आम बंदों से इतना प्यार से बात करते हैं सारा कुछ, और गाड़ियों पे सामान चढ़ाएं, कभी रोटियां बनाते हैं, कभी कुछ कुछ। तो माशाल्लाह इनका हैदर नाम है, और बड़े आम बंदों से भी इतनी बता देनी अपना रुतबा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत है, ताकि हरम में भी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग आते हैं हरम, और इन जगह पर अपनी पोस्ट का क्या करना, इंसान अपनी किरदार से आगे जाता है, और क्या जन्नत में और कब्र में जो भी है हशर महशर में, तो सिर्फ रुतबा नहीं बल्कि आमाल काम आते हैं। इन्ना करकम इंदल्लाह अतकाब, जो मुत्तकी वही अल्लाह के करीब। ये खिदमत अहल बैत में भी ये मज्जानी इस तरह बेचारे मौला के खादिम बन जाते हैं कि बिल्कुल इनका रंग अलग होता है, मगर इसको अगर पुलिस की पोस्ट पे देखा जाए तो क्या ही बात। एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी वो है, दोनों भर के इंशाल्लाह जाएंगे। मज़ेदार। तो जी लबाक मौला आप सलाम, हाँ जी मौला आप सब सलामत रखें। यहाँ पे अपने शजरों की बात करते हैं, उनके शजरे से होंगे उनके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ायरीन के लिए मौके पे सामान वगैरह तो लेकर आए सारा कुछ, लंगर न्याज पानी, और यहाँ पे एक दूसरे मौके पे भी चल रहा है जहाँ पर ज़ायरीन को बेहतरीन खाना दिया जा रहा है, और ये फ्रूट जो हमने तकसीम किया है माल्टे और ये सारा कुछ दिया जा रहा है। ये देखें स्पेशल किस्म का फ्रूट जो है ज़ायरीन को दिया जा रहा है। लब्बैक या हुसैन मौकिब है 283। यहाँ पर भी अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, और यहाँ पर फ्रूट ज़ायरीन को चलाए जा रहे हैं, तभी आपकी तरफ से इंशाल्लाह कदम कदम पे आपके लिए दुआएं।